पहले से कहा जा रहा था कि देश में हर किसी को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, लेकिन अब सरकार का प्लान थोड़ा बदल गया है। सरकार 30 से 40 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगाएगी। ये लोग कौन होंगे और कैसे कैसे उन्हें टीका लगाया जाएगा, इसकी एक एक जानकारी 2 हफ्ते बाद सरकार की गाइडलाइंस में साफ कर दी जाएगी। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही हर भारतीय तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन सरकार अब 135 करोड़ भारतीयों को टीका लगाने की बात को खारिज कर रही है। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई। जिस तथ्य की बात स्वास्थ्य सचिव कर रहे हैं उसके मुताबिक सरकार चरणबद्ध तरीके से लोगों का टीकाकरण करेगी। इसमें 30 से 40 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद दूसरे वर्ग को टीका लगाया जाएगा और देखा जाएगा कि संक्रमण का प्रसार किस हद तक रुका। अगर कोरोना की चेन टूट गई तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की इस तैयारी से एक बड़ा संदेश ये निकल कर आता है कि अगर वैक्सीन आ गई तो उसे लगवाने के लिए अफरा तफरी की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको टीका लगवाने की जरूरत ना पड़े। वैसे सरकार की माने तो अगले 2 हफ्ते में सब कुछ साफ हो जाएगा, जब टीकाकरण को लेकर उसकी गाइडलाइन सामने आ जाएगी। आज तक ब्यूरो।